ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में पिछले कई सालों से लगातार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार दिनांक 3 नवंबर सन 2023, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। आज संपूर्ण दिन सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। आइए जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज पूर्वान 10:47 से दोपहर 12:10 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है, तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़े से जौ खाकर निकलेगा, आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:24 तक चर लाभ का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात दोपहर 12:10 से दोपहर 1:33 तक शुभ का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा और सायकाल 4:20 से सूर्यास्त तक चर का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौघड़िया मुहूर्त का, अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आइए अब आप बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के कर्मफल के बारे में। तो कैसी रहेगी आज तकदीर की चाल, सितारों की चाल, ग्रहों की चाल? आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करना है उस पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए अपनी राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की सड़क से गुजरना पड़ता है, इसलिए असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि आपको जो असफलता मिली है वो कुछ ज्ञान देकर ही जाएगी। उपाय, विष्णु मंदिर में दीप दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठिएगा, लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान क्या रहेगा? सुहागिन महिला को भोजन कराइएगा, निश्चित तौर पे आज का दिन मंगलमय रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज के दिन की शुरुआत कुछ अच्छे संकेतों के साथ होगी। बस खुद के लिए आज अच्छा सोचना है, अपने आप को कोसिएगा मत, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सबसे अच्छे हैं।
और पुराने समय की गई मेहनत आज रंग लाती हुई दिखाई देगी। समाधान क्या रहेगा? चावल का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लता जी भरतपुर से प्रश्न पूछे। बेटा क्या प्रश्न है आपका? लता जी प्रश्न पूछे। लता जी प्रश्न पूछे। एक तो टीवी की आवाज कम करके रखें और हम कह रहे हैं प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछो बेटा। चलिए दूसरे कॉलर दिलीप जी भरतपुर से जुड़े हुए हैं। आप पूछिए दिलीप जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न पूछिए दिलीप जी या लता जी, जो भी जुड़े हुए हैं आप प्रश्न पूछिए। चलिए कनेक्ट नहीं कर पाए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राशियों के बारे में। कर्क राशि, कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन शांत रहकर, कम बोलकर और यूं कहूं मौन रहकर गुजारने में भलाई रहेगी, क्योंकि आज जो भी बात बोलेंगे उन सभी बातों का गलत अर्थ निकाल लिया जाएगा। इसीलिए आज बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, मौन रहना है, इसी में आपकी भलाई है। समाधान क्या रहेगा? भोजन के पैकेट बनवाकर दरिद्र नारायण में बांटिएगा, निश्चित तौर पे आज का दिन मंगलमय रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो व्यक्तिगत जीवन है, उसमें जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को विराम देना होगा। पर्सनल लाइफ के अंदर जो आपस में कड़वाहट है, लड़ाई है, उसे आज विराम देना होगा, क्योंकि अपनों से लड़ने की कोशिश में आपका खुद का मन ही खराब होगा। तला मसालेदार भोजन खाने से बचिएगा। समाधान क्या रहेगा? छोटी कन्याओं को दाल की कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कोशिश कीजिएगा आज सभी जन, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आपके सबॉर्डिनेट्स हों, चाहे आपके उच्च अधिकारी हों, चाहे आपके कर्मचारी हों, आपके काम से, आपके व्यवहार से, आपके एटीट्यूड से खुश रहें, प्रसन्न रहें। किसी भी तरह के लोभ से, प्रलोभन से आज आपको बचना होगा। पॉकेट पर खर्चों का दबाव बढ़ सकता है, इनकम कम, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। समाधान क्या रहेगा? मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़ गए हैं। सतपाल जी चुरू से पूछिए। सतपाल जी क्या प्रश्न है आपका? हाँ नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। हाँ गुरुदेव, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहता हूँ। बच्ची का नाम है श्रुति और डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 2004। 6 फरवरी 2004। 6 फरवरी 2004। समय सुबह 8:15 बजे। सुबह 8:15। क्या प्रश्न है? वो अभी नीट की तैयारी कर रही है, मेडिकल की, और थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा रहती है उसको। देखो क्या है, नाम मैं भूल गया आपका, केतु की मादशा, सतपाल जी, केतु की मादशा आपकी बिटिया को चल रही है। फरवरी 2017 से केतु की मादशा चल रही थी। केतु कन्फ्यूजन का कारक होता है। केतु सर्प की पूंछ जैसे चलता है, जैसे सांप की पूंछ टेढ़ी मेढ़ी चलती है, वैसे केतु की मादशा चल रही। अच्छी बात यह है कि 24 फरवरी 2024, यानी अगले वर्ष 24 फरवरी 2024 को इसको केतु की मादशा समाप्त हो रही है। तत्पश्चात में 20 साल की शुक्र की मादशा शुरू हो रही है, और शुक्र इसके भाग्य स्थान का स्वामी, शुक्र उच्च राशि का होके बैठा है। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, भाग्य शुक्र उच्च राशि का है, साथ में एजुकेशन हाउस में शनि बैठा है। निश्चित तौर पे ये नीट क्लियर करेगी, अच्छे IIM जैसे इंस्टीट्यूट से ये जो है वो MBBS कर सकती है। आपके परिवार का नाम रोशन करेगी बेटी, आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्ची आगे बढ़ेगी। थोड़ा डायमंड इसके कानों में या नोज पिन में या कान में थोड़ा डायमंड इसको पहना के रखिएगा,
और अश्लेषा नामक गंडमूल नक्षत्र का जन्म है। आशा है कि आपने मूल शांति कराई होगी, यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवा लीजिएगा। बाकी मेरा पूरा आशीर्वाद है एंड आई एम 200% श्योर कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करेगी और IIM जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से ये MBBS करेगी, आप निश्चिंत रहें। दिनेश जी भरतपुर से जुड़ चुके हैं, आप बताइए आपका क्या प्रश्न है? पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। बेटे के बारे में पूछना है पंडित जी। हाँ, बेटे के बारे में पूछना। जन्म तारीख समय बताएं। 16 मई 2007। 16 मई 2007। प्रश्न समय 4:13 शाम को 7:13 4:13 जी पूछिए जी। एक इसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, बिल्कुल तबीयत खराब रहती है हमेशा, और दूसरे ये पढ़ाई में मन नहीं लगता इसका। चंद्रमा की महादशा इस बच्चे को चल रही है और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ ही 10 साल की चंद्रमा 2014 से चल रही है और अब ये खत्म होगा मार्च 2024 के अंदर, 13 मार्च 2024 को। तत्पश्चात मंगल की महादशा आएगी, निश्चित तौर पे काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चंडाल योग बनाते हुए कालसर्प दोष है, योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति कराएं। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखें इस बच्चे को, काला नीला रंग सूट नहीं करता। हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना करें, शनिवार को इस बच्चे के नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करें, सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान करें और मार्च के पश्चात पढ़ने में भी मन लगेगा और अच्छे रिजल्ट्स भी बच्चा लेके आएगा, आशीर्वाद है हमारा। एक रुद्राक्ष जरूर डाल दीजिएगा गले के अंदर। नरपत सिंह जी ब्यावर से जुड़ चुके हैं, आपका प्रश्न पूछिए नरपत जी। मैम बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। बताइए। बच्चे का नाम हरनंदर सिंह है। 16/9/1998 का बर्थडे। 16/9/1991 11:15 AM 11:15 प्रश्न पूछे जी। ये इसके कब तक नौकरी लगेगा, ये M.Com कर चुका है। देखिए नरपत जी, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो सूर्य इसकी दशम भाव के अंदर स्व राशि का, निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, 100% सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। लेकिन इसके जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच राशि का है और शनि भी नीच राशि का है, भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा नीच राशि का होकर बैठ चुका है, इसलिए हर कंपटीशन में मेहनत के साथ भाग्य की प्रधानता रहती है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा सोने के अंदर अनामिका उंगली में छोटी से पास वाली में पहना दें, लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है, सोमवार को इसके नाम से सफ़ेद चीज़ें दान करनी है, खिलाना नहीं है, और शनि नीच का है उसकी शांति के लिए शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करे। निश्चित तौर पे मेरे अनुसार अगले वर्ष अगर ये कंपटीशन फाइट करता है 2024-2025 में सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे मिलेगी, हमारा पूरा आशीर्वाद है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, 6 राशियों की बात करी, आगे जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज का दिन कुछ बेहतरीन मौके देने वाला है, अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आज आपको मिल सकती हैं और उन मौकों का, उन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का आपको पूरा फायदा उठाना है, इट्स ऑन यू, उसे व्यर्थ जाने दें या फायदा उठाएं। और अपने बुजुर्गों की इमोशंस का ध्यान रखना है आज आपको, हेल्थ का तो रखना ही है, इमोशन का ध्यान जरूर रखिएगा। समाधान, कमल का पुष्प इत्र की शीशी देवी मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, एक कहावत है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अर्थात साहसी व्यक्ति की मदद ईश्वर भी करते हैं, जो कर्म करता है उसकी मदद ईश्वर करते हैं, जो आलस्य करता है उसकी मदद ईश्वर नहीं करते हैं। इस कहावत को चरितार्थ कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, रेस्ट लिव ऑन द गॉड, जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनिए, कभी कभी वो बातें आपके काम की भी होती हैं। समाधान, छोटी कन्याओं को स्कूल बैग का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की, धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि पैसों के लेन देन से
फाइनेंशियल लेन देन से जुड़े जो मैटर्स हैं, फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं, उन पर आपको ध्यान देना होगा. यू हैव टू मोर कंसंट्रेट ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स. आपकी जो टालने की प्रवृत्ति है, कल देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, ये जो टालने की प्रवृत्ति है ये आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है. वर्किंग सेक्टर में दिन सामान्य रूप से गुजरेगा. समाधान क्या रहेगा? चावल का दान कुष्ठाश्रम में कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा. कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं. वरुण जी जयपुर से, पूछिए वरुण जी आपका क्या प्रश्न है. प्रश्न पूछिए वरुण जी. हाँ जी सर, प्रश्न पूछो बेटा. वरुण भाटी है सर. अजी प्रश्न तो पूछो. उसकी वो बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है सर, बच्चों दोस्तों के साथ लगा रहता है ये सारे दिन. कितने साल का है वो? है सर 14 साल का. जन्म तारीख समय बताओ. जन्म तारीख है 2005 सर. 3-3-2009. हाँ सर. समय क्या है? समय 11 बजे का है सर. सुबह 11 बजे का? हाँ जी सर. देखो, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर मंगल की माँ दशा चल रही है और मंगल की माँ दशा में भी इस बच्चे को गुरु का अंतर है. ये बच्चा जो है पढ़ लिख सकता है, लेकिन इसको गलत संगत से आपको बचाना होगा. इसकी संगत खराब हो सकती है, क्योंकि शनि इसका खराब है और सूर्य भी खराब है. एक तो सूर्यदेव को जल का अर्ध प्रदान करें, इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करें, नियमित रूप से 11 बार सुबह 11 बार शाम को गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्यदेव को जल का अर्ध प्रदान करें, एक सोने का सूरज लाल धागे में गले के अंदर डाल दीजिए, साथ में एक रुद्राक्ष गणेश रुद्राक्ष गले में डाल दीजिए, पढ़ने में मन लगने लगेगा और इसकी आदतों में भी सुधार आता हुआ दिखाई देगा. महेंद्र जी राजसमंद से जुड़ चुके हैं, आपका भी प्रश्न पूछिए महेंद्र जी. गुरु जी नमस्ते. नमस्ते. मैं अपने बड़े भैया के लिए पूछना चाहता हूँ गुरु जी. हाँ हाँ. राजेश कुमार रोचिता नाम है. इनका जन्म 1-2-1983 है. वापिस बोले. 1-2-1983, 1 फरवरी 1983. फर्स्ट फरवरी. हाँ. 1983. हाँ. समय? समय 12 से 2 पर 12 से 1 के बीच में जन्म समय. ओके, प्रश्न पूछे. प्रश्न गुरु जी, इनकी शादी नहीं हो पा रही है और इनकी सरकारी नौकरी का योग नहीं बन पा रहा है. जहाँ तक इनकी जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की माँ दशा इनको चल रही है, गुरु इनके सप्तम भाव में बैठा है और अष्टमेश होने का दोष है. ये एक मुख्य कारण है इनके विवाह नहीं होने का. एक पुखराज रत्न इनको पहना के रखिए, पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का, और मुझे लगता है कि अगले वर्ष 2024 के अंदर इनका विवाह निश्चित तौर पर लिखा है. एक कलंगी, जो साफे पे कलंगी लगाते हैं, विष्णु मंदिर में चढ़ाइएगा और साथ में पीले रंग का प्रसाद भी अर्पण कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा विवाह की जो अड़चने रुकावटें वो दूर हों, और उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति करवाएं, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं, निश्चित तौर पर विवाह भी होगा, सरकारी नौकरी भी प्राप्त होगी. सरल से उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकी बची हुई 3 राशियों के कर्मफल के बारे में. मकर राशि. मकर राशि वाले हमारे दशक, तकदीर कहती है कि आज का दिन अच्छा या बुरा सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है. अगर सोच अच्छी रखोगे तो आज का दिन अच्छा गुजरेगा, और अगर सोच बुरी रखोगे तो आज का दिन बुरा गुजरेगा. सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करता है आज के दिन को अच्छा या बुरा बनाना. उपाय क्या रहेगा? ओल्ड एज होम में अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा. बात करते हैं कुंभ राशि की. कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज हार्डवर्क को, कठोर मेहनत को अपना गहना बनाना होगा, अपने गले का हार बनाना होगा. ध्यान रखिए, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, और आपके जीवन का एक बेहतरीन समय, अच्छा समय शुरू होने वाला है. कमर कस लीजिए. समाधान क्या रहेगा? कन्याओं को मीठी लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा.
अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कोई भी गलत काम मत कीजिएगा और कोई गलत फैसला भी मत लीजिएगा। डिसीजन शुड बी वेरी केयरफुल, सावधानी से आज का दिन गुजारना होगा आपको। कोई कह मैं बड़ा तो आप बड़े। समाधान क्या? कन्याओं के अनाथाश्रम में शक्कर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। राशियों के कमफल के बाद जान लेते हैं माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। तो क्या कहता है आज का रसोई घर से जुड़ा गुड लक टिप्स, आइए जान लेते हैं। आज स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। गंगा जल का छिड़काव करने के पश्चात मिस्सी आटे की रोटी, तुवर दाल और चावल पकाइएगा। एक कटोरी चावल में घी बूरा रखकर देवी मां को भोग लगाइएगा। मिस्सी आटे की रोटी बनानी है, तुवर की दाल बनानी है, चावल बनाने हैं। मीठे चावल एक कटोरी तो माताजी को भोग लगाने हैं और एक कटोरी मीठे चावल कौओं को खाने के लिए दे दीजिएगा और छोटी कन्या को घर बुलाकर भोजन कराइएगा। निश्चित तौर में घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानते हैं अब आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप आज के दिन को हर्डल लेस डे बनाना चाहते हैं, बाधा मुक्त बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आज आपका दिन निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, कोई भी हर्डल्स नहीं आए, कोई भी अड़चन नहीं आए? यदि हाँ तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर आसन पर बैठ जाइएगा, मां देवी भगवती का ध्यान कीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक सफेद रुमाल में एक रुपए का सिक्का सीधे हाथ में रख लीजिएगा। सफेद रुमाल, उसमें एक रुपए का सिक्का। ओम सर्व बाधा विनर मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्व बाधा विनर मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात सिक्के को सफेद रुमाल में बांधकर अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।